ट्रांसपोर्टेशन खुलने से बड़ी दवाइयों की उपलब्धता। लॉकडाउन के एक माह बाद केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन में दी गई छूट ने राज्य में चल रही जरूरी दवाइयों व सामान की किल्लत को दूर करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि इससे मौके का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी कर रहे तथाकथित दुकानदार, काउंसलर व अधिकारी पर भी अंकुश लगेगा। आइए इस पर जाने दवाइयों की सबसे बड़ी मार्केट पिंडी स्ट्रीट के हालात। हाँ जी सर, स्टार्टिंग जिदा देखा गया लॉकडाउन करके स्टार्टिंग पिंडी गली मतलब बंद किया गया करके मतलब मेडिकल वाले बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उस तो बाद पिंडी गली सरकार वालों खोली गई, बारे दसो हम किस तरह मतलब डिस्ट्रीब्यूट की है। पिंडी गली सरकार वालों खोली गई, बिल्कुल थोड़ी सही है, सानू पूरी सपोर्ट दे रही सरकार, सानू पूरी तरह हेल्प कर रही है। पिंडी गली पहले तो दवाइया की शॉर्टेज सी, तो असी रिक्वेस्ट की डीसी साहब न भी ट्रांसपोर्टेशन खोली जाए, उन्होंने साड़ी रिक्वेस्ट को मनिया तो ट्रांसपोर्टेशन खोलती। हूँ साड़ा माल बाहरले शहर तो लुधियाने तक आ रहा है और लुधियाने तो बाहरले शहर तक माल जा रहा है। लुधियाना है मेन मंडी है पूरे पंजाब की, इतों पूरे पंजाब का कस्टमर आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होएगी तो सू प्रॉब्लम आती है। ट्रांसपोर्टेशन सरकार ने खोलती है, असं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन एक तो लोग आप लैके आ रहे हैं जी, कुछ ज़्यादा कोशिश ये है कि थानू असी सप्लाइया दे रहे हैं जी रिटेल लैवल के उत्ते, रिटेल लैवल अगे चेन बना के बैठे ने जी। ओके थैंक यू सर। डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो सारा माल पैक हो रहा, देखो सारा माल पैक है, चले आ साढ़े दो मुंडे चले आ सप्लाई से सारे। तो ये मतलब कि लोकल लुधियाने में ही हो रहा कि बाहर पंजाब भी आ रहे हैं? असी तो लोकल ही करते हैं, बाहरों कोई पार्टी आ जाए उन्हें भिजवा भी देगा। अच्छा जी, तो मतलब कि सब कुछ स्मूथली चल रहे? सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी गल नहीं। Watch Daily Hitachi, Voice of Nation.